सिलगढ़ी वार्ड नंबर 8 में आयोजित एक कार्यक्रम संबोधन करे पश्चात दार्जिलिंग सांसद तथा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्टले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत हाल तृणमूल कांग्रेस मिनीस्टर जाकिर हुसैन प्रति प्राणघातक हमला बम ब्लास्ट भएको तृणमूल कांग्रेस को षड्यन्त्र रहेको अरान गर्दै पश्चिम बंगाल का सीआईडी विभाग ने पनि उचित रूप में कार्य गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्। पश्चिम बंगाल का जनताहरूलाई राज्य सरकारले अन्याय अत्याचार र असुरक्षित ढंग में दबाएर राखेको छ भने सांसद बिष्टले थप बताएका छन्। ममता जी का कहना है कि सीआईडी से जांच स्टार्ट कर दिया है और वो जो है रिमोट कंट्रोल से किया गया था, आपको क्या कहना? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ की सरकार इस तरह की घटना को पना देती है, उसको प्रमोट करती है और टीएमसी सरकार राजनीति में हिंसा, ये इनका स्वभाव बन गया है। और आए दिन जो है विपक्ष के नेता उनके कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और कल तो ये जो घटना घटी उनके ही अपने मंत्री के ऊपर में बम से अटैक हुआ। इसके दो मुद्दे हैं, एक तो ये बम कहाँ बना उसकी जांच होनी चाहिए और किसने हमला किया उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीआईडी वो जांच करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जो अहमदाबाद के विधायक का हत्या हुई थी आज तक उसकी जाँच सामने आई नहीं है। और मैं चाहूँगा, ममता दीदी से निवेदन करता हूँ, अगर वो ईमानदार है, अपने मंत्री के प्रति संवेदनशील है, तो तुरंत इसकी जांच उनको एनआईए को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि इसके तह तक जाना पड़ेगा। और ये बम पश्चिम बंगाल में कहाँ बनते हैं, कौन बनाता है, उस डेप्थ तक जा करके हमें ये जानकारी हासिल करनी होगी, नहीं तो हम पश्चिम बंगाल को नहीं बचा सकते। लेकिन उनका कहना है तो ये एक गेम प्लान है। देखिए, ममता दीदी तो कुछ भी हो वो भाजपा की तरफ ही इशारा करेगी। वास्तविकता ये है, आप भी थोड़ा जांच करें तो पता लग जाएगा कि टीएमसी के आपसी ये रंजिश है और टीएमसी के ही लोग इससे जुड़े हुए हैं। और ये बम बनाने की फैक्ट्री कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी टीएमसी के नेताओं के घर में इस तरह के बम और बंदूक मिले हैं। मुझे लगता है जांच का विषय है और मैं चाहूँगा कि इसका एनआईए जांच हो, अगर ममता दीदी अपने नेता और अपने मंत्री के प्रति ईमानदार है तो। आज दीदी पैलन में एक सभा जनसभा कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अरे लाइट ना माना भाई, क्या बैठा मुखे लाइट पोट से, तो उन्होंने कहा कि अमित शाह को चैलेंज कर रहे, पहले अभिषेक के अगेंस्ट में लड़के दिखाइए ना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ममता दीदी की इतनी औकात नहीं है कि वो अमित शाह जी को चैलेंज करें। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की 10 साल में राजनीति हुई है, आज पश्चिम बंगाल का कोई भी जनता ममता दीदी की बातों के ऊपर में भरोसा नहीं करता। और आप देखिए, जिस तरह से ममता दीदी ने कोशिश की है कि बाहर से इल्लीगल लोगों को पश्चिम बंगाल में बसा करके जो है वोट जीता जाए, चुनाव जीता जाए, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है और उसके कारण जो है यहाँ की जनता का ममता दीदी के ऊपर में भरोसा नहीं है। ममता दीदी कुछ भी बकबक करते रहे हैं, लेकिन 21 में उनका जाना तय है। ये कट मनी, ये करप्शन और ये धांधलीबाजी की जो सरकार है, इसका अंत हो चुका है। आज ममता दीदी के अपने नेता, अपने कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नहीं है। और एक व्यक्ति जो आज हमारे देश में एक पप्पू है, पश्चिम बंगाल में दूसरा पप्पू है, उस पप्पू को नेता बनाने के चक्कर में टीएमसी को खड्डे में डाल रही है। लेकिन दीदी आज बोला है कि नेक्स्ट इलेक्शन में सारा रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड तोड़ने वाले दीदी नहीं, जनता है। जनता को कभी कम आंकना नहीं चाहिए। और जिस तरह से निराशा हुई है जनता को पिछले 10 साल में, ममता दीदी कभी राजनीति में नहीं आ सकती। वो कह रही है कि गैस के दाम बढ़ रहे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, डीजल के दाम बढ़ रहे। मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी ईमानदारी से, अगर ममता दीदी अपने जनता के प्रति इतने संवेदनशील है, जो स्टेट का टैक्स है, जो सेंट्रल टैक्स से करीब करीब 2 गुना से ज़्यादा है, उस टैक्स को कम कर दे, जनता का ये बोझ है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी, उनको सिर्फ राजनीति करनी होती है। वो पेट्रोल में राजनीति करेगी और किसान को लेकर राजनीति करेगी, और जब किसान की बात आती है उनको शर्म आनी चाहिए। 7% ही MSP पे यहाँ पे किसान से धान और गेहूं खरीदा जाता है, ये बात ममता दीदी को याद होनी चाहिए। लास्ट चीज़, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म क्या है ये मैं कान पकड़ के उनको सिखा सकता हूँ। देखिए, वो कुछ भी कर सकती है, अब उनका जाना तय है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये TMC है जो ये कहती है कि 30% हमारे FD हैं, फिक्स डिपॉजिट है, मुझे लगता है ये गलत है।
हम विश्वास करते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे, और मोदी जी उसी मंत्र को लेकर के काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं एक राष्ट्र सशक्त राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र, उस ध्येय को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और 21 में आप निश्चिंत रहिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो पश्चिम बंगाल की मुश्किलें हैं उन सब का भी अंत होगा।